1997 में फौजो का साथ देने के बाद बलेरो ने अपनी इस श्रेणी को पिकअप के सेगमेंट के अंदर निकाला सन 2000 में। तब से आज तक बलेरो ने पिकअप श्रेणी के अंदर एक ऐसा भरोसा भारतवासियों के साथ बना लिया है कि अब 10 में से 6 पिकअप बलेरो ही होती हैं। बलेरो का ये मैक्सी ट्रक के ऊपर मैं बैठा हूँ और इसके अंदर भी ये एक एसी कंटेनर वाली बॉडी है जो कि दूध और आइसक्रीम वगैरह के लिए लेके जाते हैं। 2500 सीसी का इंजन, मैक्सी ट्रक प्लस सीएनजी, सिर्फ और सिर्फ प्योर सीएनजी की ये गाड़ी है। इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा कितने की इसकी बॉडी है, कितने की आपको बॉडी बनेगी और कितने की गाड़ी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर, क्या ये गाड़ी अच्छी है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं ये बातें कवर करूंगा और अंत के अंदर मैं आपको एक वीडियो का लिंक और दूंगा जिसके अंदर इसके चालक से भी हम बात करेंगे और वो हमें इस गाड़ी के बारे में और बेहतर तरीके से बताएंगे। नमस्कार खम्मागणी, मैं हूं कौशल यादव 91 ट्रक से। चलिए इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। देखो, बलेरो का मैक्सी ट्रक जो सीएनजी है, शुरुआत उसकी चाबी से कर लेते हैं। कुछ ऐसी चाबी आती है, बढ़िया सी, पीछे इतना डब्बा सारा बना के आता है चाबी के अंदर। हालांकि इसके अंदर कोई बटन वगैरह नहीं आता है, बट फिर भी ऐसे जो है बना रखी है चाबी। अब देखो, सामने से जो है बलेरो का जो स्टांस है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, शुरुआत से ही ऐसी रही है। बलेरो की जो चेहरा है, जो बलेरो का है, वो शुरुआत से ऐसे रहा है। लेकिन बलेरो के अंदर ना काफ़ी अलग अलग जो आता है, जैसे ये मैक्सी ट्रक प्लस सीएनजी है। बलेरो के अंदर 1.4 टन वाला भी आता है, 1.7 वाला भी आता है, डीजल वाला भी आता है, सीएनजी वाला भी आता है। तो बलेरो में ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो उस ऑप्शन ये से एक ऑप्शन जो है मैक्सी ट्रक सीएनजी, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। अब सारे बलेरो की शक्ल एक जैसी, आपको पता कैसे चलेगा? एक तो यहाँ पर जो है स्टिकर वगैरह जो है लग के आते हैं, तो उससे आपको पता चलता है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर आ रखा है इस वाली के अंदर। चारों टायर जो इसके नए हैं, 50,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। 20,000 से 25,000 के आसपास जो है कुछ टायर के अंदर खर्चा भी आता है। जैसे ये दिख रहे हो टायर एकदम नए हैं, ये वाले टायर कुछ ऐसे ऐसे टायर है। अब सारे बलेरो की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, बलेरो को आता है मेटल का बम्पर। और बलेरो ऐसा नहीं कि सिर्फ पिकअप का ही मेटल का बम्पर है, लोहे का बम्पर है। बलेरो की जो गाड़ी आती है पैसेंजर वाली, उसके अंदर भी जो है लोहे का ही बम्पर आता है। तो वो एक चीज़ है बलेरो को जो काफ़ी खास बनाती है और गाड़ियों से। और जैसा इंटीरियर इसका है अंदर से, वैसा ही पैसेंजर वाली गाड़ियों का भी आता है। तो मतलब भेदभाव नहीं कर रखा महिंद्रा वालों ने, ये एक अच्छी चीज़ है। एक बार मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, ये गाड़ी अंदर से लॉक है। सर मैं अगर इसको खोल के अंदर से दिखाता हूँ कैसा है इंटीरियर। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, ये एक्चुअली है चिलर प्लांट को ऑन और ऑफ करने का सिस्टम, जो कि है ये। अब इसके अंदर ये वाला कैरियर का जो है चिलर प्लांट लगा हुआ है। मैक्सी ट्रक प्लस है, तो बॉडी है इसकी 8.2 फीट लंबी और 5.3 फीट चौड़ी और 8.3 फीट लंबी। अब बॉडी दिख रही होगी काफ़ी पुरानी सी है, क्योंकि इस गाड़ी की जो बॉडी है वो पुरानी यूज़ करी गई है। इस गाड़ी के अंदर 8-9 साल के आसपास जो है बॉडी है वो पुरानी गाड़ी की है लगी हुई। और जो आगे की जो पूरी गाड़ी है, वैसे ये गाड़ी है एकदम नई। अब नई गाड़ी के ऊपर पुरानी बॉडी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, तो ये चल रहा है, इससे थोड़े पैसे बच जाते हैं। तो ये मोटर मालिक के पास पहले से एक बॉडी पड़ी थी, उनकी गाड़ी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने बॉडी और गाड़ी नई गाड़ी लेके पुरानी बॉडी जो है चढ़वा दी। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब देखो इसका क्या सीन है कि टायर जो आते हैं इसके अंदर आते हैं 15 इंच के टायर, 195/80 RD 15, मतलब डायमीटर 15 जो है इसका रिम का वो आता है। 15 इंच के टायर काफ़ी बड़े होते हैं इस श्रेणी के लिए, पिकअप की श्रेणी के लिए। पिकअप के अंदर काफ़ी बड़ा नाम भी पहले से ही है बलेरो का। प्लस इसके अंदर कमानी आती है यहाँ पे भी और आगे भी, पीछे और आगे दोनों कमानी आती हैं। और कमानियों के अंदर भी 3-3 कमानी इसके अंदर बढ़वाई गई है ताकि बढ़िया वजन ले सके। अब दिख रहा होगा ये पीछे जो सिलेंडर सा है, कितना बड़ा सिलेंडर है। अब देखो यहाँ से शुरू है सिलेंडर और इतना बड़ा जो है सिलेंडर इसके पीछे है। अब ये सिलेंडर जो है आपका 20 किलो गैस उठाता है। दो सिलेंडर है इसके अंदर, एक यहाँ पर रखा हुआ है और एक उसके साइड में रखा हुआ है। अब दो सिलेंडर 20 किलो गैस उठा ले, मतलब काफ़ी बढ़िया। बीच के अंदर रखा हुआ है, तो बॉडी के जस्ट नीचे, बीच के अंदर ड्राइव बॉडी के इस पीछे जस्ट, तो 20 किलो वजन काफ़ी वजन हो जाता है, सिलेंडर का वजन भी हो जाता है। तो ये जो है चेसी पे जोर नहीं पड़े, इसलिए एकदम बराबर जो है इसका भार बटता है दोनों के अंदर। क्रॉस मेंबर देखोगे आप, यहाँ पे एक क्रॉस मेंबर लगा हुआ है और वहाँ पीछे की तरफ क्रॉस मेंबर्स लगे हैं, तो मतलब बहुत ही तरीके से जो है इसको बनाया गया। अब इसके अंदर डीजल वगैरह का कोई और प्रावधान नहीं आता, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर चलती है गाड़ी, तो डीजल की गाड़ियों की पासिंग नहीं है यहाँ पर। 1150 किलो जो है
इस गाड़ी की वजन की पासिंग है 2500 सीसी का इंजन और 65 HP की जो है गाड़ी पावर निकाल के देती है, बहुत है इस श्रेणी के लिए मेरे हिसाब से। 2500 सीसी का इंजन दबता नहीं है, सीएनजी के अंदर भले ही आ रहा हो पर दबेगा नहीं गाड़ी का, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। देखो इसमें काफ़ी धूल वूल लगी हुई है, लेकिन आप यहाँ से इसके पीछे देख सकते हो कि सीएनजी कितनी आ रखी है और कितनी इसके अंदर और आ जाएगी। अब ये कंप्लायंस प्लेट लगी हुई है कि सीएनजी किसने इंस्टॉल करी है, महिंद्रा वालों ने लगी है, बाहर से इस गाड़ी के अंदर सीएनजी नहीं लगवाई गई है, तो ये महिंद्रा वालों की ही लगाई हुई सीएनजी है, वो एक चीज़ है। अब देखो जैसे ये जा रखा है, ये इधर पे बिजली वगैरह की फिटिंग हो रखी है, ये सारी इससे इंजन वगैरह से जा रखा है सिस्टम कि इसके अंदर भाई प्रॉपर पावर जाएगी और इसकी बॉडी की फिटिंग हो रखी है एकदम तरीके से। अब माइलेज की बात करें तो कंपनी कहती है कि 17 की जो है माइलेज बोलेरो सीएनजी मैक्सी ट्रक वाला जो निकाल देता है, लेकिन असलियत बात यह है कि जैसी परिचालक ने हमें बात करी है कि ये गाड़ी देती है 15 कुछ की एवरेज, और अगर एसी चला दिया जाए तो लगभग 8 की एवरेज। अगर आप लमसम एसी हमेशा नहीं चलाते, थोड़े समय के लिए चलाते हो, तो थोड़ी सी एवरेज जो है वो बराबर आ जाती है 11-12 के आसपास, वो एक चीज़ है। मैं आपको अंदर से और दिखाता हूँ कि कैसा क्या क्या मिलता है। एक तो इसका ये जो है ना हैंडल वगैरह, ये एकदम वही है जो पहले बोलेरो के अंदर आता था। 2022 का BS6 की गाड़ी है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सेफ्टी एड्स वगैरह जो है लिखा हुआ है। इंटीरियर जो है बढ़िया इंटीरियर मिलता है, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह जो है गाड़ी के अंदर नहीं है, हालांकि जो स्पीकर लगे हुए हैं मोटर मालिक का मानना है कि म्यूज़िक उन्होंने निकाल दिया है, था ज़रूर इसमें, इस गाड़ी से लग के नहीं आता। तो इंटीरियर से कुछ ऐसा दिखता है। देखो अब मैंने इसको ऑन कर दिया और ये ना बैटरी से भी चल जाता है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो बिना गाड़ी स्टार्ट के भी बैटरी चल जाएगा, ये देखो ऑन हो गया, लेकिन इसको अगर मैंने 2 मिनट भी चला दिया तो इसकी जो बैटरी वो डेड हो जाएगी और फिर गाड़ी धक्का मार स्टार्ट होगी। अब जो ये शीशा मिलता है ARVM वाला जो पीछे की तरफ देखने का काम आता है, जो कि काम नहीं आएगा क्योंकि पीछे तो बना दिया बॉडी, अब पीछे बॉडी बना दी तो पीछे दिखेगा नहीं, वो एक दिक्कत है। ये खुलता नहीं है वैसे, अगर आप सोचो कि इसको खोल के इस्तेमाल कर लो, गाड़ी के कैबिन के अंदर एसी नहीं आता, भले ही गाड़ी की बॉडी के अंदर एसी आता है। स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा सा आता है, बेसिक स्टीयरिंग व्हील है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर खटके वटके नहीं आते हैं, हॉर्न का वैसा आपको दिखता है। मीटर इसका काफ़ी बढ़िया है, 57,289 कुछ चल चुकी है गाड़ी, और इसके अंदर सीएनजी का पूरा मीटर वगैरह दिखा रहा है कि मीटर में सीएनजी कितनी बची हुई है, गाड़ी कितनी ठंडी है गर्म है, स्पीड वगैरह दिखाता है, बैटरी वगैरह, और अपना इंजन ऑयल वगैरह का सिस्टम जो है दिखाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट वगैरह का ऊपर लेवल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन लेवल की सिर्फ एक ही लेवल है, ज़्यादा लेवल आप कर नहीं सकते, सिर्फ एक और जीरो, ज़्यादा लेवल का इसमें है नहीं ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप कुछ लगवाना चाहते हो तो वो लगवा सकते हो। क्लच वगैरह का सिस्टम जो है ये आपने, क्लच काफ़ी हार्ड सी है, इसकी ट्रैवल भी बहुत ऊँचा है, 57,000 चल चुकी है, तो क्लच तो ऑब्वियसली जो है हार्ड हो ही जाएगी। अब जो अपना 5 स्पीड का गेयरबॉक्स आता है, वही जो ट्रेडिशनल बोलेरो के अंदर हमेशा से आता है, वही आता है। यहाँ पे थोड़े बहुत सामान वगैरह रखने के लिए इन्होंने अपना, मोटर मालिक ने अपना ये बना रखा है, वैसे सामान वगैरह रखने कुछ नहीं आता। दो ही लोग बैठ सकते हैं, अगर चाहो तो शायद सीट बड़ी करवा के और कर सकते हो जुगाड़। यहाँ पर अपना जो है शीशा वगैरह ऊपर नीचे करने के लिए लॉक और अनलॉक खुलता है और लॉक हो जाती है खिड़की, और ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, मजबूती गाड़ी के अंदर छलकती है। और ये है आपका शीशा वगैरह के फोल्ड वगैरह करने के लिए, मतलब शीशा वगैरह से धूप वगैरह से बचने के लिए, तो ये चीज़। अब इसकी छत देखोगे आप तो इसकी छत आती है एकदम ऐसी कपड़े वाली जैसी, तो वैसी मखमल वाली जैसी छत नहीं आती, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक लाइट वगैरह मिलती है। अब महिंद्रा और मेरी काफ़ी सारी और गाड़ियों से शिकायत रहती है कि जो ड्राइवर साथी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर पानी वगैरह रखने के लिए कोई बोतल वगैरह का कोई प्रावधान किसी प्रकार का नहीं दिया गया, बस यहाँ पीछे दिया है। ये एक चीज़ है कि पीछे देने का, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं चाहूँगा तो मैं बोतल वहाँ से निकाल लूँ या मैं इधर वाले दरवाजे से निकाल दूँ, तो वो एक चीज़ है। तो जो दे दें अगर यहाँ पे बोतल रखने का प्रावधान तो बढ़िया होगा, पीछे से बोतल निकालते हुए थोड़ा सा समस्या ज़रूर आती है। जो सीट वगैरह है वो आगे पीछे होने का यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप कर सकते हो इसको, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इसके अंदर होती है, ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, बस एक 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको जो है सॉकेट मिलता है जिससे आप फ़ोन वगैरह जो है चार्ज पे लगा सकते हो, या आपके जो है लाइट वगैरह के स्विच लगवा रखे हैं जो बॉडी के अंदर पीछे की तरफ जलते हैं, ये सारी आपकी उसकी फिटिंग हो रखी है आपकी एसी वाले उसकी पीछे की तरफ जो है। बाकी अंदर चढ़ने बढ़ने के लिए पकड़ने वगैरह का कोई नहीं है कुछ भी कि आप यहाँ से पकड़ के चढ़ जाओ, ऐसा कुछ है ना, कि उस तरफ भी नहीं है। ये जो फुटस्टेप है ये आपको मिलता है, और ये आपका मिलता है हैंड ब्रेक, यहीं से आप लगा सकते हो हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट ठीक है, यहाँ का स्पेस बचा लिया ताकि यहाँ पे कुछ बना सके बंदा, अपना सामान वगैरह जो है वो रख सके, ये एक चीज़ है। 2022 की गाड़ी है और दमदार गाड़ी है, मतलब मान चलो इसका कॉम्पिटिशन में है क्या, आपका टाटा का इंट्रा आता है और अपनी योद्धा है जो असलियत में जो इसका कॉम्पिटिशन है वो है, लेकिन योद्धा सिर्फ डीजल में आती है, तो अगर आपको सीएनजी में लेना है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस सीएनजी इज़ द चॉइस फॉर यू गाइस, मतलब यही आपका लिए एक इकलौती जो है पसंद सी हो जाती है। सामने वगैरह से बढ़िया आपको दिखता है, लाइट वगैरह जो है सारी हेलोजन आती है इसके अंदर,
प्लास्टिक की जो है लाइट है, ये वाली भी प्लास्टिक की जो है ये लाइट मिलती है आपको। बम्पर वगैरह मेटल का मिलता ही है बलेरो के अंदर, वो एक बढ़िया चीज़ है। धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसी ही वीडियो के अंदर।